आपको जो फेंसिंग दिख रही है मेरे पीछे और जो कैमरे पे अभी दिख रहा था वो कोई चीन या पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर, जहां हज़ारों किसान तीन कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। यहां पर सरकार ने या कहें पुलिस ने एक बैरिकेडिंग लगाई है, साथ में वो नुकीले तार लगाए हैं जो आपको बॉर्डर पर दिख जाते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये नुकीले यहाँ पर एक कील लगाई गई है, पूरा सेटअप है ताकि कोई भी गाड़ी या ट्रैक्टर जो है वो नहीं आ सके। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ये बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस का पीले रंग वाला दिखता है हमेशा, साथ में ये नुकीले तार वाला ये फेंसिंग की गई है। इसके बाद पीछे गैप है, गैप में जो पत्थर की जो बैरिकेडिंग होती है डिवाइडर वाली बैरिकेडिंग वो लगाई गई है, उसके बाद फिर से दिल्ली पुलिस का ये येलो बैरिकेड लगाया गया है ताकि किसान दिल्ली में एंटर ना कर सके। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, लाल किले पे जो किसान प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, उसके बाद से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किया है और यहाँ पर इस तरह की तैयारी की है। ये किसान यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मोंटी है जी मेरा नाम। मोंटी कहाँ से? जटपुरा मेरठ। मेरठ से आए हैं मोंटी, ये सब आप लोगों की वजह से लगा दिया गया? हाँ जी, हमारी वजह से लगा दिया गया, इससे थोड़ी रुक जाएंगे, जिस दिन जाना होगा तो ये भी पार हो जाएगा, इसे लगाने से रोकना क्या फायदा। मतलब 26 जनवरी को जो हुआ था वो सही था? नहीं सही, मतलब हमने थोड़ी करा फिर वो जो हुआ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जो वो झंडे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो हमारा काम है ही नहीं, किसानों का वो है ही नहीं। सबको देखते हो तो ये लगाया गया? हाँ, तो किसानों का काम ही नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं है लगाने का। अगर किसान करते मतलब किसान तो करते ही नहीं है काम, किसानों ने ना वो करा, जिसने करा उसे जाकर पकड़ो, उसके बारे में कार्रवाई करो, उसे जाकर पकड़ो, किसानों का इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये पता भी चल रहा, आप लोग कब आए? अभी आया, सामने लंगर चल रहा हमारा, संतरे केले फल फ्रूट बट रहे हैं, पानी वगैरह सब बट रहे हैं, लंगर चल रहा है, लंगर लगा हुआ आप लोगों का? हाँ, पहले भी आए थे हम, 2 जनवरी को आए थे, 2 जनवरी से हम 5 जनवरी को गए थे और आज फिर आए हैं, फिर एक हफ्ते के आसपास हम यहाँ रुक के उसके बाद जाएंगे। मतलब शिफ्ट में आप लोग आ रहे हैं? जा रहे हैं शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसा कोई 2-3 आ जाता है घर के बाद में, जो घर पे हैं फिर वो आ जाएंगे, हम चले जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, परमानेंट नहीं आ सकते, लेकिन तब तक आएंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, इससे पहले हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसे किस लिए, आप लोगों की वजह से ही तो लगाया गया है? किसानों के लिए लगाया गया है और क्या, और यहाँ पे ये तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं है, जो उनके लिए लगाया गया, अगर यही अगर सपोर्ट अगर वहाँ पे चाइना बॉर्डर पे की होती तो आज ये हालत नहीं होती वहाँ पे, ना इतने जवान मरते। अब डेली आप देखते हो वहाँ पे क्या रहती है, क्या कंडीशन है, अब यहाँ लगाने से बेटर है कहीं और लगाओ, किसानों पर लगा के क्या करेंगे, लगा कर क्या हुआ है, टूट गई सारी। नहीं, इसलिए लगाया गया है ताकि किसान जो है वो अपना ट्रैक्टर लेके, जिस तरह से 26 जनवरी के दिन ये हुआ, ट्रैक्टर भी टूट गई 26 जनवरी के दिन, जो दिल्ली में घटना घटी, लाल किले पे पहुंच गए किसान, उसको रोकने के लिए किया गया है, वैसे ही कुछ आप लोग ना कर जाएं इसलिए लगाया गया। ना, ऐसा कोई नहीं, पहले भी किसान कह के ही गया था 26 जनवरी को, और अब भी आगे भी जाने का इरादा होगा तो कह के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ये तो बिना मतलब में टेंशन ही ली है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। बेवजह की टेंशन ली है, हमारा तो आगे जाने का कोई इरादा ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है। कुलदीप कहाँ से हैं आप? जी हमारा जिला अमरोहा है। अमरोहा से जी। और ये जो तीनों कृषि कानून है ना, जो आजकल BSNL की हालत है, ये वर्तमान की मंडियों की हालत ऐसी हो जाएगी कॉरपोरेट के आने से, और शहरों में तो गांव में से बिकेगी सब्जी 8 रुपए किलो और शहर में हो जाएगी सीधी 45 रुपए किलो, चाहे आप देख लेना कानूनों के लागू होने से, गांव में से खेतों में से उठेगी 8 रुपए किलो और शहरों में बिकेगी 45 रुपए किलो, ये काम होना ही होना जिस दिन से ये कानून एक्टिव हो गए, एक्टिव होते ही इतनी महंगी मिलेगी, कॉरपोरेट महंगी बेचेगा शहरों में और गांव से खरीदेगा किसानों से बहुत सस्ती, ये दोनों ही कौमों को बहुत ही बड़ा नुकसान है, किसान और एक आम आदमी। हेलो, आम आदमी मर जाएगा सर। और शहर वाले जिनकी आय इनकम मंथली इनकम बहुत कम है, उनका गुजारा चलाना भारी हो जाएगा, हर चीज़ महंगी मिलेगी, जैसे आटा 30 रुपए किलो, जो डेली चावल 55 रुपए किलो। लेकिन सरकार तो कह रही है ना, सरकार तो कह रही है ना कि आप लोग समझ नहीं पा रहे, सरकार समझा रही है आप लोग समझ नहीं पा रहे। और तो किसान को इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये जो तीनों काले कानून जब किसान को नहीं चाहिए तो अपना मत दो हमें, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार समझाती तो यहाँ खड़े क्यों होते?
इनका कहना कि हम बिचौलिये खत्म कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जो आ रहे हैं ये बिचौलिये ही तो हैं, और ये तो सबसे बड़े बिचौलिये हैं कॉर्पोरेट वाले। भारतीय किसान यूनियन एकता, ये आपका बैनर है भारतीय किसान यूनियन एकता। कहाँ से आप? जिला बदायूं। क्या नाम है? जसवीर सिंह यादव। जसवीर सिंह यादव, क्यों आ गए, क्या हो गया जो उठ के चले आए सारे लोग यहाँ पे टिकैत जी के आंसू देख कर? हाँ जी, उनके आंखों में आंसू आया तब आया मैं यहाँ पे, भयंकर रूप देख कर उनका, अकेला चला आया मैं, पर और भी बंदे आज आ गए मेरे भाई। ये जो बंदोबस्त है आप लोगों के लिए लगाया गया है? हमारे लिए लगाया है, हम जाएंगे नहीं ये तोड़ कर, ऐसे जानेंगे नहीं हम, नहीं जाएंगे ऐसे, हमारा मन तो यहीं पे है, यहीं पे सरकार झुकाए के रहेंगे हम।